हाय गाइस, मैं हूं हरसिमरन और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो सीबीएसई ने इस साल एक साल में दो बार सीटेट का पेपर लेने का फैसला किया है उसके बारे में। देखिए, आप में से जो भी बीएड, ईडीटी या कोई भी एजुकेशनल डिग्री कर रहे हैं और अगर आप सेंटर के अंदर टीचिंग की जॉब लेना चाहते हैं तो आपको सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। तो इस साल जो भी विद्यार्थी या कैंडिडेट्स जुलाई के सत्र में पास ना हो सके उनके लिए सीबीएसई ने एक और मौका दिया है। देखिए, सीबीएसई की तरफ से 2019 में साल में दो बार सीटेट लेने का निर्णय लिया गया है। तो जुलाई के सत्र के बाद अब 8 दिसंबर 2019 को दिन एतवार को सीटेट की परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। ये एग्ज़ाम है जो वो 20 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा और पूरे देश में 110 सिटी से ज़्यादा में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है जो वो 19 अगस्त 2019 से शुरू हो चुका है और आप सभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 सितंबर 2019 तक करवा सकते हैं और आपकी फ़ीस पे करने की लास्ट डेट 23 सितंबर 2019 दोपहर 3:30 बजे तक होगी। देखिए, आप बैंक से या ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से जो फीस है वो पे कर सकते हैं। देखिए, सीटेट में दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर नंबर 1 जो कि पहली से पाँचवीं कक्षा तक के लिए होता है। इसके लिए आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन या ETT आपने की होनी चाहिए और सेकंड है पेपर 2 जो कि 6th से 8th क्लास तक के लिए होता है। देखिए, पेपर 2 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और BEd की डिग्री या उसके बराबर की कोई भी डिग्री होनी चाहिए और पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो दोनों पेपर में जनरल कैंडिडेट्स के लिए 90 मार्क्स होते हैं 90 और SC ST OBC कैंडिडेट्स को 82 मार्क्स चाहिए पेपर में पास होने के लिए। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर होता क्या है, आप इसमें जितने ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे उससे आपको ज़्यादा फायदा रहता है। देखिए, अगर आप पेपर देते हैं इसके बाद आपको पता है कि सीटेट क्लियर करने के बाद आप सिर्फ एलिजिबल होते हैं सरकारी नौकरी देखने के लिए। जब भी कोई टीचिंग की गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो पहले वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। अगर आप वो पेपर क्लियर कर देते हैं और उसमें आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन आप अगर आपकी मेरिट में आपके इक्वल किसी व्यक्ति के नंबर हैं, देखिए आपको भी जैसे 80 नंबर आ गए और आपके साथ किसी व्यक्ति को भी 80 नंबर आ गए, तो इसके बाद आपके जो सीटेट के स्कोर होते हैं उन्हें काउंट किया जाता है। अगर आपके सीटेट के पेपर में ज़्यादा नंबर होंगे तो आपको वो जॉब मिल जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाएं। देखिए, जो सीटेट पेपर 1 होता है उसमें 5 सेक्शन होते हैं और हर एक सेक्शन में 30-30 क्वेश्चन आते हैं। इन पेपर्स में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो अगर आप गलत करेंगे तो उसका कोई नंबर नहीं कटता। देखिए, पहला सेक्शन है जो वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी, तो इसके 30 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो कि 30 नंबर के होते हैं। सेकंड आता है लैंग्वेज 1 कंपलसरी। देखिए, इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना पड़ता है और इसमें आपको 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड है लैंग्वेज 2 कंपलसरी, इसमें आपको कई सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं और आप अपनी मातृभाषा है जो वो लैंग्वेज इसमें चूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ है मैथमेटिक्स। देखिए, इसमें आपको 30 नंबर के मैथमेटिक्स के रिलेटेड सवाल जो है वो आते हैं। और फिफ्थ है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपको 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और टोटल हो जाता है 150 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है तो 150 नंबर आपके बनते हैं। वीडियो को पॉज कर आप इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको पूरा सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप CTET.NIC.IN पर जाकर भी पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, CTET पेपर 2 का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें दो चॉइस मिल जाती हैं, एक तो सोशल साइंस वाले टीचर होते हैं और दूसरा होता है मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर्स के लिए। देखिए, इसके जो है इसके भी 5 सेक्शंस होते हैं, तो पहला सेक्शन है जो उसमें होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी, इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं और ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सेम होता है। फिर सेकंड पर आता है लैंग्वेज, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश में से दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है और 30 नंबर का ये पोर्शन होता है। थर्ड आता है लैंग्वेज 2 कंपलसरी, तो इसमें आप अपनी मातृभाषा या हिंदी इंग्लिश कोई भी ले सकते हैं, पर जो आपने लैंग्वेज 1 में ली है लैंग्वेज वो लैंग्वेज आप लैंग्वेज 2 में चूज़ नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा।
तो ऑप्शन थ्री तक जाते हुए हमारा 90 नंबर का जो पेपर है वो हो चुका है। अब देखिए जो नेक्स्ट पोर्शन है वो 60 नंबर्स का होता है। अगर आपके पास मैथमेटिक्स और साइंस के सब्जेक्ट हैं तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस ऑप्शन आएगा उसे चूज़ कीजिएगा, और इसमें आपको 60 नंबर का पेपर आएगा, इसमें से 30 का मैथमेटिक्स और 30 का साइंस होगा। और अगर आपके पास सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं तो आपको सोशल साइंस ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, तो इसमें आपको हिस्ट्री के संबंधित, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एंड पैडागोगी से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, जो कुल मिलाकर आपका 60 नंबर का 60 नंबर का पेपर हो जाता है। इस तरह आपके 150 नंबर हैं जो वो पूरे हो जाते हैं। देखिए अगर आप सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, आप नॉर्मल प्रेपरेशन से भी सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आपको जरूर मेहनत करनी पड़ती है। और देखिए इसको क्रैक करना एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने 4-5 दिन की प्रेपरेशन से 104 नंबर लिए थे पेपर 2 में। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं, आसानी से इसको क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं जल्द ही एक सीरीज लेकर अपने चैनल पर आ रहा हूँ सीटेट की, जिससे आपको एग्ज़ामिनेशन में और इसकी प्रेपरेशन करने में आसानी होगी और आप आसानी से सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हरसिमरन, साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।